अभी जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं हमारी अपनी किचन की डीप क्लीनिंग की, ठीक है जी। हमारा जो टॉपिक है वो है हमारी डीप क्लीनिंग। अभी इससे पहले हम लोगों ने जैसे किचन की जो डेली क्लीनिंग होती है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। उसके हमने एक फॉर्मेट मैंने आप लोगों को दिया था। अब ये जो फॉर्मेट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो है मेरी डीप क्लीनिंग का। अब जब हम लोग रोजाना क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, हमने जैसे इससे पहले सीखा कि रोजाना हम लोगों को क्लीनिंग करनी है। अब डीप क्लीनिंग का मतलब है बिल्कुल एकदम अंदरूनी तौर पे सब कुछ सामान बाहर निकाल निकाल के क्लीनिंग करना। अब ये क्यों जरूरी है हमारी, ठीक है ना, ये क्यों जरूरी है हमको ये समझना, ठीक है। जब हम रेगुलर ऑपरेशंस में अगर हम लोग रहते हैं ना, हम लोग क्लीनिंग तो कर रहे होते हैं बट कई सारी ऐसी जगह होती है, ऐसी चीजें होती है जिनको कि हम लोग क्लीन ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो उनको क्लीन करने के लिए हम लोग डीप क्लीनिंग करते हैं ताकि वो सारे के सारे जो कोने हैं, ठीक है, ये जो सामान है वो भी हमारा प्रॉपरली हमारा क्लीन हो पाए। नहीं तो हम लोग क्लीन तो कर रहे हैं बट वो ऊपरी ऊपरी तौर पे कर रहे हैं और अंदरूनी तौर पे हमारी क्लीनिंग नहीं हो रही है, मतलब कि जो हम रेगुलर क्लीनिंग कर रहे हैं उसका भी कोई मतलब नहीं बैठ रहा है। अब इसका अगर आप फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मेरा साइट है, साइट अपने अपनी साइट का नाम लिख देंगे, सब पर्ची है बट क्या कहते हैं आपका जो भी छोटा एड्रेस है, ठीक है, ताकि हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर पाए कि भाई किसकी क्या साइट है। इसके बाद मेरा मंथ हो गया, ठीक है, मंथ का मतलब है महीना हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि पर मंथ का हमारी एक चेकलिस्ट हमारी बनने वाली है। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके हमारा 31 तक है, ठीक है, जिस महीने में जितने दिन होंगे उसके हिसाब से मेरा उतना उसमें उस तक फिल हो जाएगा। अब डीप क्लीनिंग के अंदर करना क्या होता है, ठीक है, अब मैं आपको वो एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से इसमें वही है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। एम का मतलब मॉर्निंग हो गया, ए का मतलब आफ्टरनून हो गया, ई का मतलब इवनिंग हो गया और एन का मतलब नाइट हो गया, है ना। तो ये हो गया, सबसे पहले यहाँ पे मेरा लिखा पड़ा है फ्रीजर डिफ्रोस्ट एंड क्लीन इंटरनली। अब इंटरनली का मतलब क्या होता है, इंटरनली मतलब अंदर तक, मतलब कि सारा सामान बिल्कुल बाहर आपको निकालना है। तो फ्रीजर, जैसे कि हम बोलते हैं कि फ्रीजर डिफ्रोस्ट कर रहे हैं, जरूरी कि आप उसकी डीप क्लीनिंग कर रहे हो, बट डीप क्लीनिंग का मतलब है सारा सामान बिल्कुल बाहर, ठीक है, और उसके बाद उसकी पूरी साबुन पानी से अपने जो थ्री सिंक सिस्टम है या थ्री बकेट सिस्टम है उसका यूज करना है प्रॉपरली। फिर पूरा डिफ्रोस्ट हो गया, पूरा क्लीन हो गया अच्छे से, वापस उसको ऑन करना है, टेम्परेचर उसके अंदर आएगा, फिर आपका सामान आपको अंदर रखना है। तो इंटरनली हमको क्लीनिंग इसकी करनी है, ओके। इसके बाद दूसरा इसमें मेरा है एग्जॉस्ट हुड फिल्टर क्लीन। एग्जॉस्ट हुड का मतलब क्या है, जो हमारी चिमनियां होती हैं और उसके जो फिल्टर होते हैं, एग्जॉस्ट मतलब जो बाहर नजर आ रहा है चिमनियां, जो फिल्टर है उसके अंदर लगे पड़े होते हैं ना, वो है हमारे, तो वो भी हमको क्लीन करनी है। अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आपको महीने में कितनी बार डीप क्लीनिंग करनी है, ठीक है। आप चाहे तो महीने में 4 बार कर सकते हैं, चाहे तो एटलीस्ट 2 बार तो आपको करनी चाहिए, है ना। तो 2 बार से मतलब अगर आप 15 दिन का गैप भी दे रहे हो, ठीक है, या 10 दिन का गैप दे रहे हो, तो काफ़ी होता है, उतना काफ़ी है कि आपके जो सारा सामान अच्छे से आपको क्लीन हो जाएगा, ठीक है जी। तीसरा यहाँ पे मेरा है वाटर कूलर क्लीन। अगर आपके किचन के अंदर आपका वाटर कूलर है ना, जहाँ से आप लोग पानी लेते हैं, या वाटर कूलर नहीं मैं बोलता हूँ तो मैं आपका जो आरओ बोलता हूँ, ठीक है, वो उसको आप मान सकते हैं, तो वो भी क्लीन होना ज़रूरी है ना। नहीं तो उसके जो डब्बे के अंदर काली काली काई जम जाती है ना, आप लोगों को काई जम जाती है, अगर वो भी साफ़ नहीं हो रहा तो वो भी अच्छा नहीं है, तो वो भी हमारा क्लीन होना चाहिए, ठीक है। वो भी प्रॉपरली आप चाहे तो उसके फिल्टर्स वगैरह निकाल भी क्लीन कर सकते हैं, आपको नहीं आता तो बाहर आप किसी की सपोर्ट ले सकते हैं। इसके बाद है आइस मशीन क्लीन एंड सैनिटाइज। अगर कोई आइस मशीन आपके पास है तो वो भी क्लीन होगी। क्लीन होने का मतलब होता है आपको उसको ऑफ करना है पूरी, वो भी डिफ्रोस्ट होगी, पूरी बर्फ आपकी बाहर आ जाएगी, फिर उसको भी साबुन पानी से अच्छे से धोना है, वॉश रिंस लास्ट में क्लोरीन या सैनिटाइजर लगा के उसको क्लीन करना है, फिर उसको आपको वापस ऑन कर देना है, ठीक है, तो वो भी आपको करना है। अब इसके बाद यहाँ पे मेरा है वॉकिंग चिलर्स क्लीन। अगर हमारे किचन के अंदर जैसे मेरा फ्रीजर हो गया, वॉकिंग चिलर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मैं वॉक कर पाऊँ। चिलर का मतलब बेसिकली क्या होता है, जिसका कि टेम्परेचर हमारा प्लस में होता है, चिलर्स हम लोग उसको बोल देते हैं, ठीक है, प्लस वाला हमारा टेम्परेचर होता है, फ्रीजर मैं माइनस में बोल देता हूँ, ठीक है ना, प्लस माइनस हो गया।
अब वहाँ पे बेसिकली वॉक इन का मतलब होता है जैसे बड़े फ्रिजेस होते हैं ना, बड़े होटल्स होते हैं, तो वहाँ पूरे घर को ही एक तरीके से फ्रिज या फ्रीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे आप लोग चल सकते हैं। तो वॉक का मतलब कि वॉक इन चिलर ही हो गया हमारा, तो वो भी क्लीन करना है। वॉक इन चिलर क्लीनिंग में फिर से होगी उसकी पूरी दीवारें होगी, छत हो गया, पूरे रैक्स हो गए, अगर उसके अंदर कोई नालियाँ हैं, ड्रेनेज है, वो क्लीन हो गया, उसके दरवाजे हो गए, ठीक है, वो पूरी की पूरी क्लीनिंग हमको करनी है अगर हमारे किचन के अंदर, अगर हमारा फ्रीजर है नहीं, अगर वो चार डोर वाला है, दो डोर वाला है, तो उसको क्लीन करना है सेम, उसकी भी गैसकेट होगी, पूरे उसके रैक्स हो गए, उसको डिफ्रोज करना है, पूरा प्रोसेस वही। फिर इसके बाद है हमारा ड्राई स्टोरेज क्लीन, ठीक है। अब किचन के अंदर हमारा ड्राई स्टोर भी आ रहा है, जैसे कि हमने पहले हम लोगों ने बात करी कि भैया साइनेजेस क्लीन होने चाहिए, रैक पूरे क्लीन होने चाहिए, तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, डीप क्लीनिंग में जो भी रैक्स पूरे के पूरे हमारे बाहर आ जाएंगे, ठीक है, जो रोज क्लीनिंग करें उसमें हम लोग रैक्स बाहर नहीं निकाले, बट इस क्लीनिंग के अंदर सारे रैक्स हमारे बाहर आ गए, ठीक है। जब रैक्स हमारे के सारे बाहर आ गए हैं, ठीक है, फिर हम लोग पूरे का पूरे जो कोने में है पूरा अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, फिर से वापस से उनको अंदर रख रहे हैं, ठीक है, रैक्स के पूरे अंदर तक हम लोग साफ हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट में हमारे यहाँ पे केमिकल स्टोर, अभी जो भी हम लोग किचन के अंदर हम लोग केमिकल्स यूज़ करें क्लीनिंग के लिए, जैसे आपने टास्की बोला या सुमा बोला या आटू बोला, ठीक है, तो वो स्टोरेज जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे आपके मॉप्स भी होंगे, साबुन भी आप लोगों ने रखा होगा, है ना, है आपके डस्टर्स हो गए, वो सब वहाँ पे होंगे, तो वो वाला एरिया भी हमको क्लीन करना है एटलीस्ट महीने में दो बार, है ना। तो ये सब आप लोग क्लीन करेंगे। अब इसमें से अगर आप महीने में दो बार क्लीन करें तो दो बार ही फिल होगा, वो बस पूरे महीने फिल नहीं होगा, क्योंकि पूरे महीने तो हम लोग कर ही नहीं रहे। अगर महीने में आप तीन बार करें तो तीन बार सब क्लिक हो जाएंगे, टिक हो जाएगा मतलब कि ना, ठीक है। तो ये हमारी जो फॉर्मेट थे वो हमारे किसके थे, हमारे डीप क्लीनिंग का था। इसके बाद भी इसमें ऑब्जर्वेशंस लिखा पड़ा है, अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें टूट फूट है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज यूज करोगे, फिर आपका महीने में एक बार ये भर जाएगा, उसके बाद आप इस पर मैनेजर के साइन कराओगे और उनको ही सबमिट कर दोगे बाकी अपने फॉर्मेट्स के साथ, ठीक सर। तो इसमें है कुछ आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह, अगर इसमें है नहीं है कुछ, क्लियर, चलिए, थैंक यू वेरी मच।